सैयद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने जैसे ही इस्लाम छोड़ सनातन धर्म कबूल किया, एकाएक तमाम मौलाना भड़क गए, उन्हें गैर मुसलमान और भगोड़ा तक कह डाला। पर वसीम रिजवी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने सनातन धर्म स्वीकार करते ही इस्लाम पर जमकर हमला बोला। देखिए उनके इस्लाम पर दिए गए कुछ ऐसे बयान। मैं पैदा ही वहीं हुआ हूँ, अयोध्या जो फैराबाद है, जो आज अयोध्या कहा जाता है, मैं मेरी ददियाल वहीं की। इस्लाम का दूसरा नाम ही आतंक है। आज दुनिया में इस्लाम आतंक के नाम से पहचाना जाता है। इस्लाम का दूसरा नाम ही आतंक है। इस आतंक की शुरुआत 1400 साल पहले मोहम्मद ने अरब के रेगिस्तान में की थी। अब मैं सनातन धर्म में ही आ गया हूँ और अब यहीं रहूँगा और मरूंगा भी यहीं। मोहम्मद अहंकारी व्यक्ति थे। कुरान के अनुसार एक व्यक्ति दूसरे का सिर काटता है तो वह धर्म के आधार पर सही होता है, लेकिन इंसानियत के खिलाफ है। मुझे इस्लाम से निकाला गया क्योंकि मैंने राम जन्मभूमि पर बोला। मोहम्मद के बारे में मैंने कहा कि वह अल्लाह के मैसेंजर नहीं है, वह एक अहंकारी व्यक्ति थे। इस्लाम को धर्म नहीं मानते। इस्लाम को मैं धर्म नहीं समझता। हर जुमे की नमाज के बाद मेरा सिर काटने का फतवा दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमको कोई मुसलमान कहे, इससे हमको खुद शर्माती है। कुरान शरीफ की 26 आयत धर्म के आड़ में कट्टरता और नफरत सिखाते हैं। वहीं वसीम के फैसले पर इत्तेहाद उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना मुफ्ती असद काजमी ने कहा कि हम पहले से ही उन्हें मुसलमान नहीं मानते थे, अगर वह अब किसी दूसरे धर्म को अपना रहे हैं तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ मुस्लिम नाम रखा था जबकि उनके सभी कार्य गैर मजहब वाले थे। इसके साथ जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक ने कहा कि रिजवी के खुद इस्लाम विरोधी कार्यों ने उनको बहुत पहले ही इस्लाम से अलग कर दिया था। आपको बता दें कि वसीम रिजवी का जन्म उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सामान्य परिवार में हुआ था। बेहद कम उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। वसीम रिजवी अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे, इसलिए पिता की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई। वसीम ने नैनीताल से पढ़ाई करने के बाद सऊदी अरब, जापान और अमेरिका में नौकरी की, और अब देखने वाली बात यह है कि रिजवी सनातन धर्म को कितनी निष्ठा से निभाते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और न्यूज़ग्राम हिंदी को सब्सक्राइब करें।